नहीं रोते होते, नहीं 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 बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके माशाल्लाह। सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आई हुई हूँ एक फैमिली के घर में, और गांव में इस तरह की होती है बनी हुई, इसमें ना अपना नमक मिर्च वगैरह रखते हैं और सालन वगैरह बचा हुआ रख देते हैं, उसको डोली भी कहते हैं और पता नहीं क्या कहते हैं। तो इनके बर्तनों के हालात देखें आप, इस कदर जो है फैमिली बेचारी गरीब है। भट्ठे पर काम करता है इनका मियाँ, और हमारी बहन जो है वो गूंगी है, ना वो सुन सकती है ना बोल सकती है। तो उनके बच्चे को बुलवाया है, वो बाहर गया हुआ था, मैंने कहा उसे बुला के लाओ ताकि हम उनसे बात करेंगे तो हमें आइडिया होगा। ये संदूक है और ये इनका छोटा सा कमरा है, और मियाँ बीवी जो हैं वो दोनों ही गूंगे हैं, ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं बेचारे। ये इनका किचन है जिसमें बंदा सही तरह से खड़ा भी नहीं हो सकता। ये वक्री बात है कि मेरा थोड़ा कद छोटा है तो इस वजह से मैं पूरी आ गई हूँ। ये इनके बर्तन हैं, ये चूल्हा है, यहाँ पे बैठ के ये अपना खाना वगैरह बनाते हैं। खरैत थी, खरैत से चावल लेने गया है, नहीं पकाने के लिए, पकाने के लिए लेने गया। आप इनके बेटे हो? यस। ओके, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बैठो, छोटी सी चारपाई है इस पे बैठो। ये चारपाइयां इतनी छोटी छोटी क्यों बनाई हैं? बेगम माई, बेगम माई बाबा का अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक, और उन दो भाइयों का, एक सबसे छोटा वो अली हसन है और सबसे बड़ा वो फिजान है। अच्छा, फिजान भी है। और ये बाबा क्या करते हैं आपके? बाबा वो भट्टे पर मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, अभी क्या हुआ हाथ को? हाथ को वो ईंट निकालते हैं ना, वो गर्म होती है, वही फिर हाथ जले। हाय, हाथ जल गया, अभी नहीं जा रहे फिर काम पे? वो आज जल्दी छुट्टी हो गई है। फिर कैसे गुजारा होता है घर का? बस हो जाता है, कभी कभी भाई से पैसे मांग लेते हैं, वो उधर कराची में रहते हैं। हाँ। वो सबसे बड़े भाई, उनका नाम अब्दुल रहमान है। हाँ। वो अब दूसरे तीसरे महीने में आ जाएंगे। अच्छा जी, शुरू से ही ऐसे हो रही है जिंदगी, ऐसे ही गुजर रही है जी। बेटी भी है आपकी? नहीं, बहन नहीं है। नहीं, और भाई है, उसे आप रेडी लगवा दें, उसके हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए इंशाल्लाह ताला। आप स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स जमात में पढ़ता हूँ। फिलहाल हम इस फैमिली को देते हैं राशन और बिस्तर देते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह ताला इनको कारोबार भी करवा के देंगे। इनका एक और भाई भी है, वो बता रहे हैं वो स्कूल नहीं जाता, तो कोशिश है कि उनको कोई काम करवा दें, क्योंकि ये भाई हमारे ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये काम नहीं कर सकेंगे रेडी का। ये बच्चा स्कूल जाता है, वो छोटे भाई हैं दोनों जो, और ये बहन हमारी घर पे होती हैं। अल्लाह पाक इन पे आसानियाँ करे, आमीन। बेटा आपको मैं राशन और बिस्तर देती हूँ और कारोबार करवा के दूंगी, आपने दुआ करनी है शाह फैमिली के लिए। अल्लाह पाक उनकी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, और अल्लाह पाक उनके घर वाले को जन्नत अल फरदौस में जगह दे, आमीन। ये लोग पानी भर के रखते हैं और इसी से ये पानी पीते हैं। कहाँ से लाते हो बेटा पानी भर के? पानी वो घर का ही है। वो घर का ही पीते हो जी, फिल्टर का नहीं लाते?
बेटा आपको समझ आ जाती है मम्मा की बात की? जी। अभी आपने क्या कहा है मम्मा को? मैंने कहा कि इन्होंने ये बिस्तर भी दिया, वो राशन भी है। हाँ, हमारी मदद करे है। मैंने कहा जी, मेरे को के दुआ मांगेगा इनके लिए। हाँ, अभी बाबा से बात करो। बाबा से कैसे करते हो? ये क्या कह रहे हैं? रोटी बनाने का दुआ कर रहे हैं। वो कहते हैं अल्लाह आपको बहुत दे, मैं हमारी इमदाद कर दिया आपने। अच्छा, ये बहुत ही मुस्तहिक फैमिली थी। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, इनके लिए राशन लेके आए हैं और इन्हें काम करवा के देंगे। इनका भी जो बेटा है उसको इंशाल्लाह ताला रेडी लगवा के देंगे ताकि इनके घर के हालात बेहतर हों। ये दोनों मियां बीवी सुन और बोल नहीं सकते, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं जिनको ये भट्ठे के ऊपर काम करने जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। इनका हाथ भी जल गया बेचारों का, उसके बावजूद भी अपनी मेहनत जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे भाई को सेहत दे। ये जो बिस्तर हैं ये हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन हैं, उनकी तरफ से हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनकी दोस्तों को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। ये बिस्तर जो है हमने उनकी तरफ से दिए हैं इनको। बेटा आपने दुआ करनी है जी, ठीक है? जिस बहन ने आपको बिस्तर दिए हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। ये राशन और कारोबार जो होगा वो हमारी बहुत ही प्यारी सी आंटी हैं शाह फैमिली, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनके खामद को जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें हर बुरी नज़र और बुरे शर से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह ताला अंकल को जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह पाक उनका ये सदका जारिया कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक हो गया है? खुश हैं आप? अब खुश हैं ना? बेचारी को समझ आए बात की कि मैं क्या बोल रही हूँ, ना सुन सकती है ना बोल सकती है, बस खुशी का इजहार इसी तरह बेचारी। हाँ, रो क्यों रही हैं? नहीं रोते होते? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं आपके, माशाल्लाह बड़े हो जाएंगे तो सहारा बन जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं रोना, हौसला रखिए, ठीक है? खुश रहो, ठीक है? नहीं रोते, बिल्कुल नहीं रोते, अल्लाह ताला आसानियाँ करे इंशाल्लाह ताला। ये है जी हमारा बहुत ही प्यारा सा बेटा शाकिर और इनको जो रेड़ी लगाई है ये है लाहौरी पूड़े। मैदा डाल के ये लाहौरी पूड़े बनाए जाते हैं, मीठे हैं, सर्दियों की सुगात है, ये छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। और ये जो है ये है नीमको, ये भी घर में ही तैयार की जाती है। और अगर घर में तैयार करो तो घर में भी तैयार कर सकते हो, और अगर आप बाहर से परचेज़ करना चाहें तो बाहर से भी परचेज़ कर सकते हैं। ये हमारा नन्ना सा बच्चा इंशाल्लाह ताला ये सामान सेल करेगा और इंशाल्लाह इनके घर के हालात हो जाएंगे बेहतर। तो प्यारे बच्चे आपने दुआ करनी है, जिनकी तरफ से आपकी मदद की गई है अल्लाह पाक उनका सदका जारिया कबूल फरमाए, ठीक है? जब ये आपका सामान सेल हो जाएगा तो और ले लेना, ठीक है? ये लो बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह पाक बरकत डाल। खुश हो आप? स्कूल गए थे जी। कितना पढ़े हो? दो। दो? दो पढ़ने के बाद छोड़ दिया जी। क्यों? यही मजबूरी है। हाँ बेटा, पैसे जेब में डालो, मेरा बच्चा जेब में डालो, यहाँ से गुम हो जाएंगे। अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकतें डाले। आप सबने दुआ करनी है, ये नन्ना सा बच्चा इंशाल्लाह मेहनत करेगा और इनके घर के हालात अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम देखने वाले बहन भाइयों की जिनके तावन से हम इस तरह के जो हमें नन्हे बच्चे मिलते हैं हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई काम करवा के दें ताकि उनके घर के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह दे हवाले, ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज़। बहुत ही प्यारी सी फैमिली है शाह फैमिली, उनके लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने अपने खावंद के साले सवाब के लिए ये कारोबार करवाया है, अल्लाह पाक सदका जारिया कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारे अंकल को जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह पाक शाह फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे और अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे
और दूसरों को सिखाए। लारेब ऑनलाइन कुरान अकेडमी। वी प्रोवाइड ऑनलाइन होली कुरान क्लासेस थ्रू स्काइप जूम ऑल ओवर द वर्ल्ड टाइम एंड डे एट योर ओन चॉइस। हाईली क्वालिफाइड मेल एंड फीमेल टीचर्स। अफोर्डेबल मंथली फी। वी आर टीचिंग 24 hours। ऑडियो एंड वीडियो समराइज्ड लेसन ऑन डेली बेसिस। सेटिस्फेक्शन ऑन कम्प्लीशन ऑफ योर कोर्स। नो एज लिमिटेशंस। बेसिक कायदा मेमोराइजेशन ऑफ कुरान होली कुरान विद रूल्स तजवीद ट्रांसलेशन एंड तफसीर नमाज कलिमास दुआ। 5-day free trial classes। WhatsApp number 9230569921 92। Skype number 9234114961 26। Email learnquran787@gmail.com। Skype ID Lareb Online Quran Academy। Visit our website www.larebonlinequranacademy.net or email larebonlinequranacademy77@gmail.com। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से किसी गरीब यतीम और मस्कीन बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहता है तो हमसे राब्ता करे।